रियल एक्सप्रेस और सतना मौजूद हेलवान चौक की सतना रोड पर। आप मेरे पीछे देख सकते हैं इस गली में पानी भरा हुआ है और जो गंदगी जो यहाँ पे है वो फैली हुई नज़र आ रही है आपको। और साथ में आपको बता दूँ कि लोगों से बात करें तो उनका ये कहना है जो पानी है भरा हुआ वो सीवर यहाँ पे जो है वो ब्लॉक है, जिसकी वजह से पानी की निकासी नहीं है और यहाँ पे आने जाने वाले लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे लोग रह रहे हैं लेकिन मजबूरी में रह रहे हैं। साथ में उनका ये कहना है कि इस में जो गंदी जो पानी बह रहा है यहाँ पे जो लोग हम रह रहे हैं वो मजबूरी में है, क्योंकि यहाँ पे इस गंदगी गंदे पानी की वजह से मच्छर पनपता है, बीमारी होने का डर बना हुआ है। कई बार यहाँ के जो विधायक उनके पास जाके हमने शिकायत भी करी है लेकिन उनका ध्यान इस ओर नहीं गया है। साथ में उनका ये भी कहना है कि यहाँ के जो विधायक है मानदुल्ला खान जी कभी भी उन्होंने यहाँ पे आके इस समस्या को नहीं देखा है। हम लोग कितनी बार वहाँ पे गए हैं अपनी शिकायत लेके लेकिन उनका कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। आइए आगे जानते हैं यहाँ के लोगों से बात करते हैं कि आखिर क्या वजह है कि वो यहाँ पे आके नहीं देखते हैं, जो जनप्रतिनिधि है यहाँ के लोगों से नहीं सुनते, उनकी समस्या नहीं जानते। सर क्या नाम आपका? सर आप किसी इलाके से रहते हैं? यहाँ पे देख रहे हैं कि पानी भरा हुआ है, क्या रीजन है यहाँ पे पानी भरा हुआ है? सर मैम यहाँ पे सीवर लाइन जो है वो ब्लॉक है और जी यहाँ की प्रॉब्लम यही है, आस पास की जितनी गलियाँ देखेंगे आप जो आपने अभी सर्वे किए होगा वहाँ पर ज़्यादातर यही प्रॉब्लम है। आप अगर 99% जो है वो इसी टाइप की गलियाँ हैं जहाँ पर ब्लॉक है, पानी है, यहाँ पे झाड़ू नहीं होती, कभी कुछ नहीं होता, क्योंकि पानी पानी होता है तो झाड़ू में कोई दवा ही नहीं होता है। पानी भरा हुआ है कितना टाइम हो गया से पानी? और यहाँ पर पानी तो रेगुलर ही रहता है, पानी पहले नहीं बनता है, बरसात का पानी नहीं है आपकी ये मैं बता दूँ, बरसात का और नहीं है पानी, बल्कि ये सीवर लाइन का पानी है जो उबलता रहता है। ठीक है, ये सीवर का पानी हुआ है इसका नहीं। यहाँ के जो विधायक है अमानतुल्ला खान जी, क्या उन्होंने आके इस समस्या को नहीं देखा कि अवगत किया है यहाँ पे अपील नहीं? अमानतुल्ला साहब को यहाँ वो काम के लिए तो हमने देखा नहीं है कभी, उन्हें इस टाइप का काम करते हैं। तो सर आप लोग क्या उनके पास गए कभी? हाँ शिकायत अभी मैं तो नहीं गया लेकिन मुझे ये रास्ते बारे में मुझे नहीं माना, तो मुझे क्योंकि इतना ख़राब है रास्ता तो कोई ना कोई तो जाता ही होगा उनसे बात करने के लिए। ये तो आया दिन होता रहता है। सर क्या क्या परेशानी है जो पानी भरा हुआ है? ये सीवर की वजह है, सीवर जो है वो सही काम नहीं कर रहा, जैसी आबादी जितनी आबादी है ना उसके हिसाब से सीवर काम नहीं कर रहा। सर तो क्या पानी की निकासी नहीं है, सीवर ब्लॉक है, क्या समस्या आ रही है? पानी की निकासी बंद है, सीवर जाम हो जाते हैं पर पब्लिक ज़्यादा है और ये आए दिन होता रहता है, सही हो जाता है। अभी दो तीन दिन पहले सही था, अभी कल परसों से बना और यहाँ आए दिन होता रहता है। तो सर यहाँ के जो विधायक है अमानतुल्ला खान जी, उन्होंने आगे कभी इस समस्या के बारे में आप लोग से बात की है, कभी दौरा किया है? कंप्लेंट होती है, काम भी होता है लेकिन वो ऐसा होता है जैसे कि होता है ना कि जड़ में आदमी दवा लगाए तो पूरा पेड़ जो है सरसब हो जाता है, लेकिन यहाँ जो काम होता है वो ऐसा होता है पत्तों पे मलहम लगा दिया, जड़ जो है ना बुनियाद जिसकी वजह से ये मसला ख़त्म हो जाए वो नहीं होता। तो सर आप लोगों के यहाँ पे दुकान है तो काफ़ी दिक्कतें भी होती होंगी आपको? अच्छी दुकानदारों से ज़्यादा आने जाने वालों को बहुत परेशानी होती है, ये गली में तो खासकर आगे स्कूल है तो भाई आते हैं जो बोलते बच्चों को लेकर आती है ना, तो वो इधर से बराबर वाली जो गली है इसमें तो रास्ता तय करके उन्हें जाना पड़ता है और ये आए दिन होता रहता है इस गली में तो खासकर, बल्कि ये गली क्या पूरे ओखले के अंदर रहती है। मैम ये जो पानी भरा हुआ है इससे आप लोगों को आने जाने में दिक्कतें होती होगी, तो आप लोग ने यहाँ के जो विधायक अमानतुल्ला खान जी उनके पास की शिकायत की है आपकी दुकान के सामने? क्या शिकायत करना है मैम? क्या शिकायत करना है, यहाँ तो परमानेंट ये पानी है और आने जाने वाले को तो दिक्कत, हम दुकानदारों को तो दिक्कत है ही लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत यहाँ आने जाने वाले। लेकिन सर यहाँ पे जो जनप्रतिनिधि चुने हैं वो आप लोगों के द्वारा तो शिकायत तो करनी बनती है क्योंकि समस्या तो होता ही है, बेचारे कराते भी हैं दो दिन चार दिन सही रहता है फिर हो सकते हैं, ये अभी सही था कल तक सही था आज अब देखिए फिर बेचारे कहाँ तक वो भी क्या रहे होता है। इसमें सबसे प्रॉब्लम यह है पानी की निकासी, अगर पानी ढंग से निकासी हो जाए और सीवर ये जो पतला सा सीवर ये थोड़ा चौड़ा जाती है इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी,
और अमनतुल्ला बेचारे क्या करेंगे, कराते वो कराते तो वही है, नगर निगम वाले कराते वो कराते, लेकिन कराते फिर दो दिन के बाद वही हालत हो गई। लेकिन सर देखिए आपने बोला कि आए दिन ऐसे होता रहता है, कराते हैं काम लेकिन कुछ समान नहीं जुगाड़ भी तो होगा ना। जी जी जी, तो यही चीज अगर पार्लियामेंट उनका ध्यान नहीं गया। नहीं ध्यान तो देते होंगे, लेकिन इसमें नगर निगम की बात है, ये तो इसमें ये सब चीज सबसे ज्यादा काउंसलर की बात है, काउंसलर विधायक की तो चलो लिख के वो दे देंगे या कुछ भी, लेकिन सीवर तो है जुड़ होगा। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ये जो सीवर छोटा है ना, इस वजह से ये सारा प्रॉब्लम, अगर छोटा ये सीवर थोड़ा बढ़ जाए, निकासी साफ सुथरा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और पूरे यहाँ जाके देखो पीछे वाली गली भी ऐसे ही है, अभी सामने हम गए तो वहाँ भी देखो ऐसे ही है। इतनी गंदगी रहती है कि पूछने पर जहाँ जाते हैं जिस गली में जाते हैं उस गली में ही आ रहे हैं, आगे वाले गली में जाके देखिए हम जो उस गली में आए और दूसरी गली में जाके देखते हैं उसमें नहीं होगा, लेकिन उसमें इतनी गंदगी रहती है, इतनी गंदगी। हाँ हाँ पूरी उतनी गाड़ी अंदर कर रहे हैं ताकि वो क्या नाम सर का पानी, आप यहाँ पर रहते हैं ना, तो पानी की समस्या है, पानी की पूरे पूरा समस्या है, पानी की पानी भरा हुआ है, गंदगी फैली हुई है, आप देख रहे हैं कि बीमारियाँ हैं बहुत ही ज़्यादा, अच्छा पानी नहीं है, अगर ऐसे ही पानी रहा तो गिरा मुश्किल है। फोन कर चुके हैं हमने किया, क्योंकि हमारे क्या हो रहा है समर सीवर में ना पॉटी का पानी जा, तो उससे क्या हो रहा है लोगों को परेशानी इसकी चल रही है, क्योंकि यहाँ पे टंकी वैसे तो है नहीं सप्लाई का पानी। अब पिछले दिन हमने कौंसलर जो है शेख दानिश भाई उनको फ़ोन किया था, तो उन्होंने आके कुछ कराया, तो उन्होंने कहा पाइप टूटा हुआ है पूरी सड़क वो, तो कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन अब समर सीवर में पॉटी का पानी जा रहा है। यानी कि अब तक आपको सिर्फ ये कहा कि आके देखेंगे काम, इस पर कुछ नहीं हुआ, झूठा दिलास दे रहे हैं। नहीं मतलब यहाँ कुछ हुआ नहीं है, बहुत परेशान है, इतने परेशान है, आप देखिए ना कहाँ तक कहाँ क्या हो रहा है, बहुत परेशानी हो रही है, क्योंकि बच्चे बीमार हो रहे हैं, हमें पता नहीं चला कि क्या हो रहा है, अब बच्चे मतलब हॉस्पिटल में ले जा रहे हैं, क्या हो रहा है पेट में दर्द है, पता चला पॉटी का पानी इसमें भरा खड़ा है, संभर से कर हम परेशान हो रही है, जल्दी से सही हो जाए, कोई भी कराए इसमें मानस भाई कराएँ या क्या है ना, ये गाड़ी आती नहीं है, वो तोड़ देती है, उसकी वजह से ही ये मतलब बन जाता है काम, तो हमारे विधायक जी तो बहुत बढ़िया है, हमारे अमानतुल्ला जी बहुत एक नंबर के अच्छे हैं और काम कर रहा है, ऐसी बात नहीं है, काम बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन ये गाड़ी ये जो आती नहीं है उससे टूट जाता है, ये सड़ियाँ मतलब थोड़ी कमज़ोर होती हैं या वैसे भर जाता है उससे और थोड़ा, बाकी अमानतुल्ला जी जो है वो एक नंबर के हैं, बहुत अच्छे विधायक हैं। जैसा कि आपने देखा हमने यहाँ मौजूद लोगों से बात की इस सीवर की पानी की समस्या को लेकर, तो उनका यही कहना है यहाँ पे जो है सीवर के पानी की निकासी नहीं है, सीवर ब्लॉक हो चुके हैं, यहाँ पे हम लोग रह रहे हैं लेकिन एक नलके जीवन जी रहे हैं, क्योंकि यहाँ की जो सीवर का गंदा पानी है वो पीने के पानी में जा रहा है, जिससे बच्चे बीमार हो रहे हैं, जाके हमने कई बार यहाँ की जो जनप्रतिनिधि है अमानतुल्ला खान जी उनसे जाके शिकायत की है, लेकिन वो एक दो बार आगे ठीक तो करा देते थे, इसका परमानेंट चुका नहीं करा दे सके, लेकिन साथ में ये भी कहना है कि हम लोग इस गंदगी में रहने पे मजबूर हैं, पर यहाँ पे जो गंदगी के कारण मच्छर पैदा हो रहे हैं, बीमारी हो रही है, हमारे लोगों के अंदर एक तो बीमारी का डर बना हुआ है कि इस गंदगी में रहने से कहीं हम लोग बीमार ना रहे, क्योंकि इसका जो गंदा पानी है वो पीने के पानी में जा रहा है, लोग मजबूर रहने के लिए। आगे की जानकारी के लिए बने रहिए रियल एक्सप्रेस के साथ, मैं रेणु चौहान कैमरामैन रवि के साथ, धन्यवाद। इस दुनिया की ताजा तरीन खबरों से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, दबाएं इस बेल आइकन को और वीडियो पसंद आने पर लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें।